जन्म स्थान में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि परसों जब मचरूका वक्फ अमलाक बोर्ड का दफ्तर जलाया गया तीन बार और उसकी दीवारें गिरा दी गईं, तो दुनिया में ये खबर अफवाह की सूरत में फैल गई कि खुदा न खास्ता जन्म स्थान गुरुद्वार नाजायज कब्जा मुख्तलिफ नामों से, तो सिर्फ एक जुलकरनैन डोगर का। अब ये वो गरीब आदमी है जिसके बारे में ये कहा जाए कि गरीब, ये गरीब गुरबा है जिसको बेचारे को थ्रेट। ये पैगाम दूंगा कि ननकाना साहब की जो आवाम है वो सिख कौम से बहुत ज्यादा प्यार करती है और जो हमारा गुरुद्वारा है वो बिल्कुल महफूज है, उसमें कोई, जैसे चेयरमैन साहब ने पहले भी कहा है कि बिल्कुल एक ईंट या खराश तक नहीं आई। तो ये मैं दुनिया को मैसेज दूंगा कि हमारा गुरुद्वारा बिल्कुल महफूज है और यकीन ये इख्तियार देता है कि वो हालात को देखते हुए हत्ता के वो कर्फ्यू भी लगा सकता है। डीसीओ के पास कितने इख्तियार हैं दफा 144 से? नहीं, कर्फ्यू लगा सकता है, वो रेंजर्स को तलब कर सकता है।